बड़ी दीपावली 27 अक्टूबर 2019 काफ़ी छतों पर डाला गया है। पोस्ट मास्टर साहब गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, भुवन सिंह भी यहाँ वहाँ कुछ अपने बांट रहे हैं, यहाँ सब जलवा दिया है, यहाँ भी खा रहे हैं। पूरे भंवरेश्वर मैदान में बहुत बड़ा यहाँ मैदान है, कई जगह पर डाला यहाँ वहाँ वहाँ, और आपस में लोग लड़ाई भी करते हैं, इनको बचाओ चिल्लाओ छोड़ाओ। यही कहा कि इनकी भी जो चौधरी लोग हैं इनकी भी नसबंदी हो जाए, अगर तो संख्या इनकी सीमित हो जाए, खाने को कुछ है नहीं, खेत में सब लोग भगाओ 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 भगाओ, जंगल है नहीं। अब देखिए नदी के किनारा है, ऐसे ही नदी के किनारों पर सरकार पूरी एक एक किलोमीटर तक इसमें तार के वो सब बना दिए जाएं, उस पार भी इस पार भी, और इसी में नील गाय और पीली गाय और जट्टे आवारा जानवर उनको छोड़ा जाए, जगह जगह शेड ऐसे बना दिए जाएं, पानी बरसे जाड़ा हो उसमें खड़े हो जाएं, बाकी इसी में चरें नदी का पानी प्राकृतिक रूप से। करोड़ों रुपए जो गौशाला के नाम पर सरकार खर्चा करती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ज़रूरत हो। देखिए वो नाव है और देखिए शराब बिक रहा है, दिन दहाड़े शराब बिकता है, वो यहाँ से आप देख रहे होंगे। अचानक चले जाइए, जितना मर्जी हो ले लीजिए आप, कच्ची शराब देसी शराब आपको मिल जाएगा। क्या है सब, क्या हो रहा है, कैसे 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 हमारे देश में सुधार आवेगा है? हजारों साल गुलाम रहे, आज भी हमारे देश में कुत्ते बैठे हुए हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी टांगे खींचो। क्यों? उनको उनको देश से क्या मतलब है? उनको देश से मतलब थोड़े, उनको तो मतलब हमारी अम्मा को उठा ले जाओ, हमारे घर में घुस जाओ, हमें पैसा दे दो बस, हमें दारू दे दो, कहाँ है कहाँ है वही का ना जोड़ा हम बहुत मारे, आओ वही का तुमसे बड़ी हुई का भगा रहे हैं, जाओ जाओ कहाँ है कहाँ है। अब ये देखो बेचारी जो हमारे डर के वहाँ भाग के आई, कहा तुम्हारी मम्मी है कहा, ले लाम लाम, ये मम्मी के पास नहीं जा रहे हैं बालाजी क्या? ऐसे छोटे छोटे बालाजी अनाथ भी होते हैं इसमें, ये देखो छोटे छोटे बालाजी, वही बता रही कितनी संख्या बढ़ रही है रे, नील गाय है इनको पकड़वाओ बढ़िया करवाओ, सब सब नदी के किनारे, अब बड़े बड़े तार की जाली बनवाई एक एक किलो इस पार उस पार, और खूब पेड़ लगाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो, बेरोजगारी बेरोजगारी उनको काहे लिए, लोग मरे जा रहे हैं सरकारी नौकरी में, सब मौजे मौज है, कोई मौज नहीं, आधी तनख्वाह मिलेगी, जितने अधिकारी हैं और जितने नेता लोग हैं सबकी आधी तनख्वाह घटा दो या कुछ कुछ कम कर दो, उसी पैसे से नई भर्ती चालू करो, पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ जाए, इनकी भी आबादी रोकी जाए, बस कोई हो गई कहीं गोली मार दो, और गोली मरवाने वाली सर हिमाचल प्रदेश में कहां पर आदेश तो हुआ था, और उनको खुद ही गोली लग गई, ये देखो ये बंदे बड़े दुष्ट होती हैं सब, छोटा सा बच्चा है लेकिन उसको दौड़ा रही है, ये उसको दौड़ा रही है, और हमको क्रोध आ जाता है, देखो कितना छोटा सा बच्चा है, कहे का दौड़ा है सुरमे दानी है, आओ तुमका बचाई आओ आओ आओ, यहाँ दिन एक झांपड़ कस के ये सब नदी गंदगी देखो, ये सब गंदगी इकट्ठा करो जलाओ, अरे काम हो ड्यूटी हो, वीडियो बनाओ, वीडियो बना के दिखाओ पूरी दुनिया को पूरे देश को, ये देख रहे हैं हालत, ये देखो कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं भी कूड़ा है बिनो माचिस लगाओ, अब जाके झिल्ली सरकार ने, अब सरकार क्या क्या करे, लेकिन सरकार को थोड़ा सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए है? देश के अंदर किसने गंगा जी के लिए कुर्बानी दिया है उसका नाम आगे आना चाहिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको उसका सम्मान करना चाहिए है? जो काम कर रहा है, जो घोड़ा रेसर घोड़ा है रेस में जीत के दिखा दिया, उसको आप क्या दे रहे हैं, कना धान की भूसी, और गधे जो है किसी लायक के नहीं है वो कना खा रहे हैं। जो तुलसीदास ने लिखा था ना कि ये एक ऐसा युग आएगा, तो जानने के बाद भी आज लोगों को आंख का पानी मर चुका है, आपको नहीं सोचना चाहिए कि जनता है लड़ रहे हैं कि जनता में क्या क्या संदेश जाएगा, देख रहे हैं कहीं पेड़ है नदी किनारे, ये कहीं झाड़ी झाड़ी वाले पेड़ नहीं काटो, बरगद गूलर वो गूलर है, जैसे वो पाकर का पेड़ है,
बस हो रहा है चकल्लस है, हाथ में लिए लोटा, जहाँ शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया तहाँ शंकर जी बेचारे उठ के नाचने लगेंगे। देखो कोई काम नहीं करना चाहता, कोई देश का बारे में नहीं सोचता, नहीं 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 नहीं, बहुत हुआ, बस दंगा करा दो, लड़ाई झगड़ा करा दो। देखो बीमार हो जाब तो काहे घुसे अंदर खड़े हो, यह देखो यह जबकि मौसम में थोड़ी ठंडक है। एक एक दाना खा रहे हैं, एक एक दाना। तो चला जाए मंदिर, चलो चलिए साहब, कहाँ तक देखा मैं, कहाँ तक बता मैं, हैं उस पार इस पार सारे जानवरों को, लावारिस आवारा सब जानवर छोड़ो, उनमें फालतू हैं, उनकी बढ़िया भी करवाओ, नसबंदी उनकी करवाओ, कंट्रोल करो। यहाँ देख रहे हैं गंदगी, पक्का घाट बन गया, देख रहे हो गंदगी, यहाँ रोज झाड़ू लगना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हैं कहीं कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, बस तुम चाहे भाषण दो, बस मंच के ऊपर आ गए और आचार और व्याकरण आचार्य भगवान बोले और विष्णु जी ने कहा। देखो विष्णु जी ने क्या कहा, पहले अपने देश को सुधारो, अपनी यहाँ की व्यवस्था बनाओ, इनके बारे में सोचो, तब हनुमान मंदिर के बारे में सोचो, इनके बारे में नहीं नहीं नहीं, जहाँ है बस श्याम साधु, श्याम साधु तो हनुमान जी की कृपा है। देखो कोस मास्टर साहब मिल गए, गाड़ी लेके आने लगे, और सहयोगी की जरूरत थी तो भुवन सिंह मिल गए, तब तो ऑटोमेटिक काम हो रहा है। लेकिन हम ही केवल हम ही को करना चाहिए, बाबाओं को नहीं, नेताओं को नहीं सोचना चाहिए, हैं आपको भी सोचना चाहिए। चले मंदिर में दर्शन करेंगे, वापस चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। देखो उसको काटा है, अब वो बेचारी सीख रही, सीख रहा है हुआ, यह देखो बिना माँ का बच्चा है ये, न माँ है न इसके पिता है, ये देखो उसकी सहानुभूति में बच्चा आया, ये देखो सहानुभूति करने आया है वो बच्चा, उसको तो बंदरिया उसको पकड़ के खींच रही है, कहाँ है कहाँ मर रहे है भाई, हम आई थे चौधरा, अच्छा उठा के पटका वही पानी में तुम कहा, आओ चलो भाओ भगो दिया कसके को हाथ में डंडा, हम बहा के मारी, ठीक है साहब, चाहे हम जत्ता बनावें चाहे जत्ती वीडियो दिखावें, हैं अब आजकल एक हैं कोई विनोद दुबे, अशोक दुबे है ना, अब इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरह बंदर भोज करके मतलब किसी भी तरह पैसा कमाया जाए। लिहाजा हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, मेरा उनसे कहना है कि आप लोग इनके ऊपर अंकुश लगवाइए, इनके ऊपर हो सके आप कानूनी कार्रवाई करवाइए, धर्म के नाम पर मत लूटो। किसी को बताइए हमारे नाम का ग्रुप बना दिया, ये हमको कल पता लगा कि हमारे नाम का ग्रुप बनाए हैं, ये क्या हो रहा है सब। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, काम करो काम करो, और वरना देश कभी नहीं हमारा बढ़ पाएगा। ये पक्का घाट बना है, ये लोगों के बैठने के लिए बना है, क्या है यहाँ देख रहा हूँ कितनी गंदगी फैली हुई है सब। अब सफाई हो चले भाड़ में जाए, पहले पशुओं के लिए करो, बंदरों के लिए, इसी में खूब जंगल लग जाए, इसी में बंदर का भोजन हो जाए। क्यों अगर यहाँ किनारे किनारे तार की जाली घेरा जाए एक एक किलोमीटर तक, और बरगद और पीपल गूलर भर दिया जाए, तो सारे बंदरों का बसेरा हो कि ना हो, पानी पिए भोजन करो, इसी में जट्टे लावारिस जानवर है उनको छोड़ो, ये गौशाला खोलने की क्या जरूरत भाई, गौशाला मतलब जहाँ टूटे फूटे लंगड़े लूले जानवर रखे जाए, नदी किनारे रहे सब प्राकृतिक रूप से, यही तो सारे डॉक्टरों ने बड़ी प्रशंसा किया था हमारे विचारों का, लेकिन बस ये जनता को चाहिए, सरकार क्या है, जो जनता चाहे वो सरकार करेगी। चलिए चला जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।